हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल के पांचवें दिन के, यानी कि उसके पहले मंडे के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। बट फ्रेंड्स, कल रात का जब मैंने एपिसोड बनाया था, मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं 9 से 10 करोड़ के बीच में कमाएगी एंड 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स आए, यू नो, कि कलेक्शन 11 आएगा, 12 आएगा। बट फ्रेंड्स, जो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो हमेशा सच्चाई से मेल जोल है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। जो हमारी इच्छा रहती है उस प्रकार के अगर कलेक्शन आ जाए तो हर फिल्म अपने हीरो की 200-300 करोड़ मार देगी। लेकिन गाइस, वी हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटी, वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड इज गोइंग ऑन। कल रात को एपिसोड में मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि अगर ये फिल्म 10 करोड़ के नीचे भी गिरती है गाइस, तो इट इज अ नॉर्मल ट्रेंड। इतना ड्रॉप बड़ी फिल्मों में होता ही होता है। हाँ, 9 करोड़ के नीचे नहीं गिरना चाहिए तो थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली मिशन मंगल का जो ऑफिशियल फाइनल फिगर आया है वो 9 करोड़ के नीचे है। यस फ्रेंड्स, मैं हमेशा प्रेडिक्शन ज्यादा ही देता हूं, मैं कभी भी किसी फिल्म के लिए कोई कम प्रेडिक्शन देता नहीं, और सोच समझ के डेटा को एनालाइज करके प्रेडिक्शन देता हूं, ऐसा हवा में तीर भी नहीं मारता हूं मैं। और इसी का कारण है गाइस, मिशन मंगल का जो पांचवें दिन का ऑफिशियल फिगर आया है वो सिर्फ 8.91 करोड़ आया है। यस फ्रेंड्स, अब कुछ महान हस्तियां रहेंगे जो बोलेंगे अरे संडे को 27.54 कमाया और मंडे को सीधा गिर के 8.91 पे आ गया। तो मेरा भाई, ऐसा कंपैरिजन नहीं किया जाता। यूजुअली कंपेयर मंडे विथ फ्राइडे। ओके गाइस, यानी कि फ्राइडे को इस फिल्म ने 17.28 करोड़ की कमाई की थी। हाँ, ड्रॉप 50% का है इस फिल्म में, ज्यादा ड्रॉप दिखा है इस फिल्म में, लेकिन अब इस फिल्म को स्टेडी मेंटेन करना होगा। अगर ट्यूसडे भी 1 करोड़ नीचे गिरा, वेडनेसडे और 1 करोड़ गिरा, देन गाइस इट वोंट बी गुड साइंस फॉर द मूवी। हाँ, फिल्म ने हिट एंड रन कर लिया है, फिल्म एक हिट हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन इस फिल्म को अच्छी कमाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाइस ये इकलौती फिल्म है जिसने अक्षय कुमार के करियर में इतना जबरदस्त 100 करोड़ तक की जो छलांग मारी है, सबसे तेज छलांग मारी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए, इसको कंसोलिडेट करके इसे जितना हो सके मैक्सिमम कमाई गेन करना चाहिए। एंड आई थिंक अगर ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये फिल्म कहीं ना कहीं 7 करोड़ के नीचे न गिरते हुए हर दिन, अब जैसे आज 8 करोड़ के नीचे कलेक्शन नहीं जाना चाहिए, 8, 7.5, 7, अगर इतना भी ये फिल्म कमा लेती तो गाइज वी कैन सी अ फर्स्ट वीक टोटल ऑफ 130 करोड़। जस्ट इमेजिन, अक्षय कुमार लाइफ टाइम यूज टू बी 130 to 134, लोगों को मजाक उड़ाया करते थे कि अरे 132 के ऊपर जाती नहीं पिक्चर। एक हफ्ते में मिशन मंगल हैज गॉन टू 130 करोड़। जस्ट इमेजिन, ये कितनी बड़ी हिट दिया अक्षय कुमार ने। और ये अंदेशा ये है कि आने वाले समय में चाहे वो लक्ष्मी बॉम्ब ले लो, चाहे वो हाउसफुल 4 ले लो, ये सारी फिल्में मास में आती है, मास मोड में। और ये जब मास मोड में अक्षय कुमार आएगा तो गाइस ये 130 फिर से एक एक हफ्ते में टूटेंगे। सूर्यवंशी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो फिल्म सबका बाप होगी, इट्स गोना बी एक्शन क्रैकर, सब होंगे उसके अंदर, सिंगम होगा उसमें, सिम्बा होगा उसमें, सरप्राइज एंट्री भी है बहुत सारे लोगों की, इसमें बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ह्यूज अचीवमेंट फॉर अक्षय कुमार, 130 करोड़ फिल्म एक हफ्ते में कमाएगी विच इज मैक्सिमम। और दूसरे हफ्ते में अगर ये इसका आधा भी कमा दी तो कितना होता है मेरा भाई, 190 करोड़ तक पिक्चर जा सकती है। तो जस्ट इमेजिन, अक्षय कुमार फैंस गो टू द थिएटर, ट्विटर पे भिड़ के किसी से कोई मतलब नहीं है, फिल्म देखने जाओ, स्टार की फिल्म को हिट करो, दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके गाइस, सो अब मिलेंगे रात को प्रेडिक्शन एपिसोड में, तब तक क्या करना है, एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, मिशन मंगल।